वेलकम टू कुक एट वंडर कैसे हो आप सब लोग मैं हूं संध्या और आज हम लोग जाने वाले हैं कुची से कन्याकुमारी सो so, ये रोड ट्रिप होने वाली है अराउंड एट आवर्स की लेकिन फूड ब्रेक के साथ आई गेस ऑलमोस्ट नाइन आवर्स लग जाएंगे तो इस वीडियो में मैं आप लोग को इस एंटायर जर्नी की पूरी डिटेल्स देने वाली हूँ लाइक रोड कंडीशन टोल प्राइजेस और पेट्रोल uh, पंप का सीन खाने पीने का ऑप्शन सब कुछ सो यस लेट्स गेट स्टार्टेड इस रोड ट्रिप का रूट भी मैं आपको दिखा देती हूँ कुची से आलापुरा बाईपास रोड हमें गूगल ने सजेस्ट किया था उसके बाद हम लोग चंगनाशेरी पहुँचे फिर तिरुवल्ला चंगनूर अडूर और कोटारकरा होकर हम लोग ट्रैंड्रम पहुँचे फिर हमने कोवलम थ्रू ट्रैवल किया फिर नैयाटिन करा मारतांडम होकर नागर पहुँचे फिर नागरकोयल से सुचिंद्रम बाईपास थ्रू हम लोग कन्याकुमारी पहुँचे आज का ये वीडियो इन कोलैबोरेशन विद ज़ूक है ज़ूक बहुत ही ट्रेंडी वीगन बैग्स फुटवेयर्स और लंच बैग्स लैपटॉप बैग्स ये सारी चीज़ें बनाती हैं बोथ मेन एंड वेमेन के लिए और इनके प्रोडक्ट्स मैंने ऑलरेडी यूज़ किए हैं पहले भी और मैंने एक टोट बैग इनका प्रमोट किया था और मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लगा था वो और इस बार ये फ़ुटवेयर मुझे इन्होंने सेंड किया है और मुझे बहुत ज़्यादा प्यार लगा इट हैज़ दैट इंडियन टच विथ अ मॉडर्न ट्वेस्ट आप इसे सूट सलवार साड़ी जीन्स किसी भी चीज़ों के साथ पहन सकते हो तो इट्स वेरी वर्सेटाइल और ये जो वीडियो है ये ईवो ने शूट किया है लुक एट हर परफेक्शन लाइक मैंने सोचा ही था कि एक पाँच साल की छोटी बच्ची इतना अच्छा शूट कर सकती है क्लैप्स फॉर आर लिटिल ईवो वैसे अगर आप जूक से कुछ भी परचेज़ करना चाहते हो तो आप मेरा कोपान कोड यूज़ कर सकते हो वाई टी संध्या एस टेन ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप परचेज कर सकते हो जो भी आप परचेस करना चाहते हो उस पर टेन परसेंट डिस्काउंट मिल जाएगा मेरे प्रोमो कोड के थ्रू यहाँ पर एन एच सिक्सटी सिक्स का काम अभी भी चालू है तो जब हमने कोच्ची टू ट्रैंडम ट्रिप किया था तब हमने डिस्कस किया था कि कन्याकुमारी ट्रिप तब करेंगे जब यहाँ का हाईवे रेडी हो जाएगा लेकिन ये तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला ऐसा लग रहा है क्योंकि पहले इस हाईवे प्रोजेक्ट का डेडलाइन था जनवरी टू जो ऑलरेडी निकल चुका है और अभी न्यू डेडलाइन सेट हुआ है अक्टूबर टू का एक बार ये हाईवे रेडी हो जाए तब तो बहुत मज़ा आने वाला है इस रोड ट्रिप में लेकिन अभी तो बहुत ज़्यादा कंजेशन और बहुत ज़्यादा स्लो मूवमेंट हुई थी लेकिन जैसे ही टोल गेट पूरी रोड एकदम वाइड और मजेदार बन गई मतलब टोल गेट एकदम बराबर बना के रखा है बाकी काम एकदम स्लो चल रहा है तो इस एंटायर ट्रिप में जो टोल प्राइस हमने पे किया है वो आपके स्क्रीन में अभी डिस्प्ले होकर दिख जाएगा तो ये हमारा एंटायर ट्रिप फ्रॉम कोच्चि टू कन्याकुमारी का टोल प्राइस है एक बार ये हाईवे रेडी हो जाए तब तो पनवेल टू कन्याकुमारी जाना इतना मज़ेदार रोड ट्रिप हो जाएगा और मैं चाहती थी कि मैं ये रोड ट्रिप तब करूं जब ये हाईवे रेडी हो जाए लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बहुत ज़्यादा डिले हो रही है और मुझे कन्याकुमारी ट्रिप जल्दी से प्लान करना था सो so, येस yes, जैसा है मैं आपको अभी दिखा देती हूँ एंड वंस द हाईवे इज़ रेडी हो सके तो हम लोग दोबारा ट्रिप करेंगे एंड येस yes, अभी आप देख सकते हो कितना ज़्यादा मतलब कंजेशन है मतलब एक ही लेन है दोनों तरफ के लिए मतलब उस तरफ के लिए एक लेन इस तरफ़ के लिए एक लेन और बीच में ट्रक बसेस सब कुछ मतलब बहुत ज्यादा मतलब इरीटेटिंग ट्रिप हो गया था अभी के सिचुएशन के हिसाब से तो आप ट्रेन में ट्रैवल करो तो ज्यादा बेटर रहेगा इस रूट में आपको फ्यूल स्टेशन की कोई कमी नहीं मिलने वाली है तो बहुत ही कंफर्टेबल रहेगा फ्यूल के परस्पेक्टिव से अभी हम लोग लेने वाले हैं आलपुरा बाईपास रोड और ये बाईपास बहुत बढ़िया बनाया है लाइक एक बहुत ही लंबा सा ब्रिज है मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ी देर में ये देखिए अभी हम लोग आलापुरा बाईपास ब्रिज में आ गए हैं और यहाँ आने के बाद ऐसा लगा कि फाइनली हमारी गाड़ी थोड़ी सी स्पीड पकड़ पाई है और काफ़ी लंबी ब्रिज है लाइक बहुत ही लंबी ब्रिज है और इस ब्रिज में मतलब बहुत फाइनली ऐसा लगा था कि कुछ तो अच्छा लग रहा है मतलब ना कोई ट्राफ़िक ना कोई कंस्ट्रक्शन का कंजेशन मतलब अच्छा लग रहा था सीनरिक भी लग रहा था थोड़ा सो so, येस yes, चलते हैं आगे अभी और सिक्स आवर्स फिफ्टीन मिनट्स हमें ट्रैवल करना है तो कन्याकुमारी पहुँचते पहुँचते बारह बजने वाले हैं बारह तो क्रॉस ही हो जाएंगे आलापुरा बाईपास ब्रिज क्रॉस करने के बाद हमने लिया ये लेफ़्ट टर्न वैसे आप सीधे भी जा सकते हो लेकिन सीधे बहुत ज़्यादा कंजेशन दिखाता है इस पर गूगल मैप तो गूगल मैप ने हमें शॉर्टेस्ट रूट यही सजेस्ट किया था तो यस अभी आगे चलते हैं अगर हमने सीधा वाला हाईवे लिया होता तो अम्बलापुरा के थ्रू हम लोग ट्रैंडरम पहुंचते लेकिन हमने लेफ़्ट लिया है तो अभी हम लोग चंगना चंगनाशेरी तिरुवल्ला थ्रू जाएंगे दिस रूट टर्नड आउट टू बी अमेजिंग मतलब वो बोरिंग हाईवे से हट कर ये एकदम देखिए सीनरिक व्यू मतलब इस तरफ भी बैक वाटर दिखाई दे रहा है मतलब दोनों तरफ इस तरफ भी है और अपोजिट साइड में भी ये बैक वाटर दिखाई दे रहा है तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मतलब बहुत देर बाद ऐसा कुछ सीनरिक व्यू हमें देखने को मिला मैं सीरियसली वो स्लो मूवमेंट और पूरा कंस्ट्रक्शन का व्यू देखे इतना ज़्यादा बोर हो गई थी बट अब जाके फाइनली बैक वाटर्स को अपने ट्रीज हाउस बहुत ज़्यादा बढ़िया बढ़िया व्यूज़ आने लगे हैं तो स सो हैप्पी अब मज़ा आ रहा है रोड ट्रिप का असली मज़ा अब आ रहा है एंड यस uh, yes, अभी चलते हैं आगे हम लोग रामन करे पहुँचने वाले हैं अभी रोड भी एकदम क्लियर हो गया है बिल्कुल भी रुक रुक के नहीं चलना पड़ रहा है तो अब सीरियसली रोड ट्रिप का मज़ा आ रहा है रामनकरे पहुँचते ही बहुत ज़्यादा थंडर एंड लाइटनिंग देखने को मिला सो so, लाइक like, इतना तो श्योर हो गया कि आगे जाके बारिश तो जरूर होने वाली है थंडर इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि आवाज़ गाड़ी के अंदर तक एकदम लाउड आ रही थी अभी हम लोग पेरुना नाम के जगह पे पहुँचे हैं और बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई अभी और विजिबिलिटी भी लाइक कम हो गई तो स्लो स्लो जाना पड़ रहा है वैसे तो मुझे बारिश में ड्राइव बहुत ज़्यादा पसंद है लेकिन आज मैं इतना इन्जॉय नहीं कर रही हूँ बिकॉज ऑलरेडी हम बारह बज जाएंगे कन्याकुमारी पहुँचने में और अगर बारिश भी हो जाए तो बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा तो मैं चाहती हूँ कि जल्दी जल्दी हम लोग कन्याकुमारी पहुँच जाए और थोड़ा सा सो जाए आज के लिए फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं तिरुवल्ला में तिरुवल्ला इज़ अ पेटी गुड प्लेस और इसलिए यहाँ पर देखिए बहुत सारे ज्वेलरी शॉप्स शॉपिंग के ऑप्शन सब कुछ दिखने लगे हैं एंड बारिश भी थैंकफुली थोड़ा सा कम हो गया हल्का सा ड्रिजलिंग ज़रूर हो रहा है लेकिन इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं लग रहा है एंड येस सो दिस इज़ तिरुवल्ला तिरुवल्ला के बाद अब हम लोग पहुंच गए हैं चेंगन्नूर अब हम लोग आ गए हैं पंदलम तो पंदलम के ही राजा ने अयप्पा भगवान को गोद लिया था जब वो बेबी थे और तो जितने भी अयप्पा भगवान के पास शबरीमला में जाने वाले भक्त होते हैं बहुत बार वो पंदलम आते हैं पहले फिर यहाँ पर दर्शन करते हैं और उसके बाद फिर यहाँ से शबरीमला जाते हैं मेरे पापा अयप्पा भगवान के बहुत बड़े भक्त थे तो उनसे ही मैंने ये सारी प्लेसेस के बारे में स्टोरी सुनी थी और पहली बार मैं इस लोकेशन से इस प्लेस के थ्रू जा रही हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है चलते चलते फाइनली हम लोग आ गए हैं ट्रेंड्रम तो मेरे राइट साइड में ट्रेंड्रम का लुलु मॉल है तो यस ट्रेंड्रम हम पहुंच गए हैं अब और टू आवर्स फिफ्टीन मिनट्स हमें लगेंगे कन्याकुमारी पहुंचने में अब हम लोग हैं ट्रैंड्रम नैयाटिनकर रोड पर पूरी खाली रोड एकदम वाइड और कोई ट्रैफिक नहीं इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है अभी तो देर से ही सही एकदम अच्छी अच्छी रोड तो बाद में मिली है। पाराशाला पहुंचने के बाद हमें मल्हार फैमिली रेस्टोरेंट नाम का एक रेस्टोरेंट मिला वैसे ज़्यादा उम्मीद तो नहीं थी इस प्लेस से बट सोचा कि और कोई ऑप्शन नहीं है तो यही ट्राई कर लेते हैं तो यहाँ से हमने एक गोभी मंचूरियन मंगाया है परोटा मंगाया है और पनीर की ग्रेवी मंगाई पनीर बटर मसाला मंगाया है तो चलिए ये होने वाला है आज का हमारा डिनर तो इसे ट्राई करते हैं बहुत ही कम उम्मीद के साथ मैं यहाँ पे आई थी बट फूड टर्न आउट टू बी रियली गुड मतलब बहुत ज़्यादा टेस्टी था ऑप्शंस इनके पास बहुत ज़्यादा लिमिटेड थे मतलब नॉनवेज में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस थे लेकिन वेज में बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस थे तो जो था उसी में से चूज़ करना पड़ा लेकिन टर्न आउट टू बी रियली टेस्टी इनके पास पार्किंग फैसिलिटी भी है और वॉशरूम फैसिलिटी भी है तो काफ़ी अच्छा ब्रेक हो गया हमारा यहाँ से वन आर एटीन मिनट्स में हम लोग हमारे कन्याकुमारी के होटल पहुँच जाएँगे फाइनली जस्ट तीन मिनट में हम लोग होटल पहुंच जाएंगे। आई एम सो एग्जॉस्टेड बस वेट करी कब रूम पहुँचूँ और सो जाऊँ और कल की शुरुआत करूँ मतलब कन्याकुमारी के ब्लॉग्स बनाना स्टार्ट करूँ कन्याकुमारी रीच होते ही हमें फ़िफ्टी रुपीज़ की वहीकल एंट्री फ़ी लगी है तो यस yes, पहुंच गए हम लोग कन्याकुमारी सो so, हम लोग कन्याकुमारी पहुंच गए हैं फाइनली एंड अभी जो कन्याकुमारी के व्लॉग्स है वो आपको अलग से मिलेंगे uh, वो भी देखना मत भूलिएगा मैं एक सिंगल uh, प्लेलिस्ट भी बना के रखूंगी कन्याकुमारी का एक साथ ताकि आपको सारे वीडियोस एक साथ देखने को भी मिल जाए नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपको कन्याकुमारी के बढ़िया बढ़िया ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे होटल डे वन डे टू फिर uh, मतलब खाने पीने का सब कुछ आपको देखने को मिलेगा सो मेक श्योर सारे ब्लॉग्स देखेगा आप सो यस आई होप आज का ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा और इन्फॉर्मेटिव लगा और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज हमेशा की तरह वीडियो को लाइक करिए और नीचे एक छोटा सा कॉमेंट भी मिले छोड़ के जाएगा मुझे काफी अच्छा लगेगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए मैं हर सैटरडे फूड एंड ट्रेवल रिलेटेड वीडियोज डालती हूँ मिलते हैं अगले ब्लॉग में केयर